रात के 10:30 बजे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज आफ्ताब और आप देख रहे हो आफ्ताब ब्लॉग्स। तो एक बात मैं बता दूं आप लोग को, पिछले 3 या 4 दिन से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि रमज़ान का कम से कम एक व्लॉग तो बनाऊं, लेकिन भाई साहब मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, मैं सहरी करने के लिए उठता ही नहीं हूँ, आँखें नहीं खुल पाती है, और कभी कभी कुछ और वजह से जैसे कहीं और इफ्तार है या किसी के यहाँ दावत में इफ्तार के लिए, तो उस वजह से वो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। और आज जो है 20 रमजान पूरा हो गया है, कल 21वां रमजान है। और मैं इस बार कोशिश करूंगा कि कल जो आने वाली सुबह है, सुबह के 4 बजे से शाम को जो भी टाइम रहता है, मैं पूरा दिन जो व्लॉगिंग का है, जो भी अपना जो दिखाना है रमजान का, ठीक है, वो मैं दिखा पाऊँ। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कल मैं टाइम पे उठ जाऊं और सहरी भी कर लूं। तो मिलते हैं कल सुबह के टाइम पे 21वां रमजान। तब तक के लिए सब बखैर। सुबह के 4:30। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है सहरी के लिए? सबसे पहले या तो मैं चाय बनाऊं, या दूसरा नंबर चाय विद ऑमलेट, तीसरा है फ्रूट्स। लेकिन मैं जो है सिर्फ चाय बनाने वाला हूँ, फॉर सम रीज़न ओनली चाय, नथिंग एल्स। जब तक हमारी चाय पकती है, रात के 1-2 बर्तन में उनको थोड़ा वॉश कर लेता हूँ। तो बहुत पसीना हो रहा है। सो आई थिंक चाय अच्छे से पक गई है, अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या हालत है इसकी चाय की। एक मिनट। तो आज के लिए ये है हमारी सहरी। सुबह के 4:45। टाइम जो है, टाइम बहुत कम बचा है, 8 से 9 मिनट बाकी, 4:50 हो गए हैं एंड 4:58 या 4:59 इतना लास्ट है। सो गाइस, अब जो है सहरी ख़त्म हो गई है और अजान भी हो गई है, 5 से ज़्यादा बज चुके हैं। सो अब मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ने वाला हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर देखते हैं। सुबह के 5:20। सुबह के 7:45। फाइनली मैं हो चुका हूँ तैयार और अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा है। मतलब मैंने सुबह उठ के सहरी की और मैं टाइम पे हूँ अभी सुबह जॉब के लिए। सो अभी तक तो सब अच्छा जा रहा है, इंशाल्लाह होप करता हूँ आगे भी सब अच्छा जाए। सो अब मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं अब निकलने वाला हूँ ऑफिस के लिए। एंड ऑफिस से मेरी छुट्टी होगी शाम को 6 बजे। सो चलिए चलते हैं।
सुबह के 8:15। सुबह के 8:45। अब टाइम बताने का मन नहीं कर रहा है। सोचा और अभी 6:30 हो रहे हैं और आप लोग मेरी हालत देख सकते हो। और मेरे घर पे जो है भाई साहब आए हुए मेहमान हैं। मेहमान क्या भाई भाई हैं भाई, आप पहले कुछ पहन लो। इस तरह की जो है चीज़ें हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। आप प्लीज़ कुछ पहन लो। बाहर खाना खाऊंगा, लेकिन भाई यहाँ पे अगर चिकन विकन खुश हो गया सही में। क्या बात है भाई, बिना प्लान के चिकन, क्या बात है। मज़ा आ गया ना। मज़ा मतलब मज़ा इन द सेंस मज़ा ही आ गया यार। क्या बात है भाई, इतने मशहूर शेफ आए हमारे बीच में, दिखा नहीं सकते, थोड़ा सा न्यूडिटी वाले हालत में। और आप थोड़ा प्लीज कुछ पहन लो यार भाई। अभी पहनूंगा नहीं, बहुत गर्मी है भाई। एक तो आपका ये घर जो है ना, ये पहाड़ों के ऊपर होना चाहिए था। पहले ये बताओ ये कौन सा मसाला है। सो ये वाला, एक मिनट, दिस इज धनिया पाउडर, ओके, एंड दिस इज हल्दी पाउडर, ओके, एंड आई थिंक दिस इज जो है लाल मिर्च, एंड दिस इज मिक्स मसाला। मिक्स मतलब ये इसमें धनिया वनिया सब मिक्स किया हुआ है। श्योर? हाँ श्योर श्योर। ये रेड चिली है ना? रेड चिली है। और अगर और चाहिए तो यहाँ पे इसमें रखा हुआ है, ले लो आप। निकालो, वही वाला डालूंगा, इस पे मुझे भरोसा नहीं। वही वाला है, ये आप निकाल लो। पक्का है ये ना? हाँ वही है मेरे भाई। तो आप क्या बना रहे हो ये बताओ पहले। क्या मैं बना रहा हूँ? अफगानी चिकन भाई। ये चिकन आप उधर रखो। लो फ्लेम पर इसको थोड़ा देर पकने देते हैं। हमें डालने भी जा रहे भाई। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत लग रहा है यार। भाई अभी इसमें कितना टाइम है? अभी इसमें लगभग लगेगा 15-20 मिनट। अब इसको आप जो कुकर कवर लगा दो, ढक्कन लगा दो, हो गया। शाम के 7:03। इसके बाद जो शूट किया है रात के 9:58:39। अब जो है फाइनली 10 बजने वाले हैं रात के, और अब थोड़ा सा खाना खाएंगे। जो भाई ने बनाया है चिकन, वो हम लोग, भाई क्या नाम है उसका? अफगानी चिकन। अफगानी चिकन हम लोग खाने वाले हैं। बस एक रोटी, थोड़ा सा चावल, उसके बाद सेम प्रोसेस, सुबह उठना है 4:30 बजे, सहरी वेरी जो भी है, व्हाटएवर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज़ एक कमेंट कर देना भाई, अच्छा लगता है देख के। तब तक के लिए बाय बाय।